नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, रिलायंस पावर में वापस जो तेज़ी है वो काफ़ी बाई बैक होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी कम बैक हुआ है दोस्तों मार्केट के अंदर। कंपनी ने जो रिटर्न पे आउट किया है वो कहीं ना कहीं छप्पर फाड़ पे आउट किया है। तो आखिरकार दोस्तों अब कंपनी के Q1 के जो रिजल्ट्स हैं वो भी जल्द नज़र आने वाले हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इस स्टॉक के टारगेट से किस लेवल हो सकते हैं और कितनी होल्डिंग बनानी चाहिए। प्राइस के तौर पर चर्चा की जाए तो 32.84 रुपये की प्राइस पर आज का जो मार्केट है वो क्लोज हुआ है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस के साथ क्लोज हुआ है। और उसी के साथ साथ दोस्तों कंपनी का जो रिटर्न निकल के आया है वो 5 फीसदी का अपर सर्किट लगा है। अब लास्ट 5 सेशन में बात की जाए तो लास्ट 5 सेशन से दोस्तों कंपनी का जो रिटर्न पॉजिटिव निकल के आ रहा है, जो 13.32 फीसदी का रिटर्न रहा है, अपने आप में काफ़ी बढ़िया रिटर्न निकल के आ रहा है। क्योंकि दोस्तों कंपनी में लगातार जो वॉल्यूम का जो आंकड़ा था वो भी बढ़ता हुआ नजर आया है। क्योंकि कंपनी में अगर वॉल्यूम अगर अच्छी इंक्रीज हो रही है तो दोस्तों मार्केट में तेज़ी की जो ग्रीन सिग्नल है वो ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएंगे। और डेटा अभी के टाइम काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है, तो इसके वजह से मार्केट में तेज़ी बढ़ रही है। पर उसी के साथ साथ अगर कंपनी का लास्ट एक मंथ की का डिस्कशन अगर करें तो लास्ट एक मंथ में भी रिटर्न पिछले 5 सेशन का एवरेजन ही नजर आएगा। पर लास्ट 6 मंथ की अगर चर्चा की जाए तो लास्ट 6 मंथ का भी दोस्तों जो प्राइस एवरेज होते हुए नजर आया, कुछ ज्यादा कुछ उतार चढ़ाव मिला नहीं है। पर अभी के टाइम कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी के अंदर चर्चा की जाए तो कंपनी का दोस्तों जो है लास्ट 1 साल के अंदर जो शानदार रिटर्न निकल के आया है। और वॉल्यूम का दोस्तों अगर आंकड़ा चेक करें तो दोस्तों वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया इंक्रीज हुई है। क्योंकि एवरेजन अगर हम वॉल्यूम पर अगर चेक कर ले तो दोस्तों विदन प्रूफ यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों कंपनी का जो वॉल्यूम था वो आज 10 करोड़ का रहा है। अब मार्केट के अंदर दोस्तों इसमें से कितने डिलीवरी ली गई ये आंकड़े अभी के टाइम अगर हम चर्चा करें तो डिलीवरी भी आज के सेशन की ऑलमोस्ट अगर काफ़ी बढ़िया रही है, जो आज की रही है दोस्तों लगभग 61.5% की, जिसमें से टोटल शेयर जो होल्डिंग पे रह सकते हैं तो दोस्तों वो यहाँ पे लगभग 5 करोड़ शेयर दोस्तों आज की जो है शेयर की जो डिलीवरी है वो ली गई है, तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया बात रहेगी। अब साथ ही लास्ट सेशन की अगर चर्चा की जाए तो 6 करोड़ की वॉल्यूम निकल के आई थी, जिसमें से 53.21% की डिलीवरी शेयर होल्डर्स द्वारा उठाई गई थी। होल्डिंग में अगर चर्चा की जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है लगातार जो डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी उठाई रही है, तो वॉल्यूम भी दोस्तों लास्ट 1 मंथ की अगर चर्चा की जाए तो लास्ट 1 मंथ की 3 करोड़ की जो वॉल्यूम थी वो वापस से 1 वीक में आती आते दोस्तों 6 करोड़ तक बढ़ चुकी थी। वहीं चर्चा की जाए तो दोस्तों लास्ट सेशन के ऊपर 6 करोड़ की वॉल्यूम नजर आई थी, 3 करोड़ का एवरेज डिलीवरी निकल के आई थी, और आज की सेशन में कहीं ना कहीं 10 करोड़ की जो वॉल्यूम निकल के आई है, तो इसका मतलब मार्केट में तेज़ी आनी पक्की है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं टारगेट आगे जाकर बढ़िया हिट हो सकते हैं। पर लास्ट 1 वीक के रिटर्न्स पर अगर चर्चा की जाए तो दोस्तों लास्ट 1 वीक का कुछ इस प्रकार का रहेगा, लास्ट 1 मंथ में इस प्रकार, लास्ट 3 मंथ में देखने को मिलने वाला वो भी आप लोग को पॉजिटिव नजर आएगा, लास्ट 1 साल में भी और एक के साथ दोस्तों 3 साल में भी वही बढ़िया वॉल्यूम निकल के आई है। उसी के साथ साथ दोस्तों कुछ बेसिक डेटा बेस में अगर हम चर्चा करें दोस्तों कंपनी का जो डेटा है वो काफ़ी बिग टाइम जो चार्ट है वो काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहा है, वेरी बुलिश नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मूविंग एवरेज पर भी जो है बुलिश देखने को मिल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी दोस्तों कहीं ना कहीं अभी के टाइम काफ़ी अच्छी जो है एवरेजन अगर चेक किया जाए तो काफ़ी बढ़िया मूवमेंट्स नज़र आ रही है। उसी के साथ साथ दोस्तों कंपनी के बेसिक में अगर हम चर्चा करें तो कंपनी का बेसिक जो निकल के आएगा उसमें से कुछ नेगेटिव थॉट्स निकल के आ रही है कि कंपनी फाइनेंशियल स्तर पर काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ नज़र आया, नेट प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी काफ़ी गिरावट नज़र आ रही है। तो ये कुछ नेगेटिव थॉट्स निकल के आए हैं। तो अभी के टाइम अगर हम अब कुछ पिछले रिजल्ट्स के मुकाबले अगर कुछ चेंजेस अगर देखें तो पिछले रिजल्ट के मुकाबले दोस्तों प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो 23.24% से जो है अभी भी बरकरार बनी हुई है, उसमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आए हैं। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी दोस्तों 0.20% से इंक्रीज होकर 0.20% तक इंक्रीज हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव आंकड़े निकल के आए हैं। और म्यूचुअल फंड स्कीम रिमेनिंग अनचेंजेस है, यानी कि कंपनी के दोस्तों जो म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर दोस्तों जो है स्कीम्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट था उस नंबर्स जो इन्वेस्टरों के जो नंबर्स थे उनमें कोई बदलाव देखने को मिला नहीं है। वहीं दोस्तों जो फॉरन इन्वेस्टर FII के जो इन्वेस्टरों की जो गिरावट है वो कंटिन्यूसली रही है, इन्वेस्टरों का दोस्तों जो हिस्सेदारी है वो फिर से गिरती हुई नजर आ रही है। और उसी के साथ साथ दोस्तों नंबर ऑफ FII इन्वेस्टरों की संख्या में भी दोस्तों भारी गिरावट नजर आई नहीं है, ओनली 431 से दोस्तों 430 तक वापस गिर चुकी है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो दोस्तों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में भी कहीं ना कहीं गिरावट नजर आई है, जो 17.97% से 15.78% तक लास्ट रिजल्ट के बाद गिर चुकी है। तो ये कुछ फाइनेंशियल आंकड़ों में कमजोरी नजर आ रही है। पर कंपनी के दोस्तों इंडस्ट्रीज भी जो है
उससे बढ़िया बुक वैल्यू काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। बुक रेशियो जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट गिर रही है, कंपनी नेट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे जनरेट नहीं हो पा रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का काफ़ी अच्छा है इंडस्ट्रीज पी के मुकाबले, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं थॉट्स के तौर पर पॉजिटिव निकल के आ रही है। तो अभी के टाइम कहीं ना कहीं इस कंपनी के आगे चलकर दोस्तों जो है थ्रेट्स जो है वो यहाँ पे देखने को काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है कि थ्रेट्स यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम अदर इनकम शामिल ज़्यादा नज़र आ रही है। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, अपॉर्चुनिटीज में काफ़ी बढ़िया मोमेंट्स जो है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं, पर कंपनी की जो कमजोरीज हैं वो भी चार बड़ी हैं, कंपनी के पास पांच मजबूतियां हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अभी फेस वैल्यू के तौर पर अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ चीज़ें जो है उतार चढ़ाव के साथ हमें फेसेस करनी पड़ने वाली है। फिलहाल दोस्तों कंपनी के रिजल्ट को लेकर अभी तक कोई फाइनल डेट अपडेट जारी हुआ नहीं है। कंपनी इस रिजल्ट के लिए डिविडेंड बोनस पर भी अभी तक कोई अपडेट जारी हुआ नहीं है। आगे जिस प्रकार कुछ भी अपडेट अगर आता है तो दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।